Hello everyone, my name is Shama Goel and I am from the volunteering team of YEF. Youth Empowerment Foundation is a non-profit NGO which is working on providing groceries to daily wage workers. As we all know how migrants and daily wage workers are struggling to survive in this pandemic, so we provide them groceries and help them a little bit. Today I am going to visit some areas of village Gawa, Uttar Pradesh and will provide groceries to them. So let's begin for this initiative. Friends, abhi hum is ghar mein ja rahe hain ration ke liye. आंटी आप हमारी टीम को बता सकते हो कि आपको लॉकडाउन के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन में हमें देखो खाने की पीने की सब बात की परेशानी है, काम नहीं चल रहा है, किराए पर रह रहे हैं, ये बहुत सारी परेशानियां हैं जो मान लो नहीं कही जा सकती, मान लो घर में हर एक बात की परेशानी है। आंटी ये हमारी टीम ने आपके लिए राशन दिया है, छोटी सी आपकी मदद करने की कोशिश की है। धन्यवाद। और ये आपके राशन है, आप इसको साइड में रखेंगे और आपको कुछ बोलना है हमारी टीम के लिए आप बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो हमारी मदद करी। ठीक है गाइस, अभी हम दूसरे घर में आए हैं उसी मोहल्ले के, तो अभी इनको राशन देना है। आंटी आप ऊपर आ जाइए। आंटी क्या आप हमारी टीम को बता सकते हैं कि आपको क्या क्या परेशानी हुई लॉकडाउन के दौरान? परेशानी वही है, खाने राशन पानी ना है। अच्छा, आपको राशन पानी की जरूरत थी और हमारी टीम ने आपके लिए ये राशन भेजा है, आप इसको लीजिए। गाइज अभी हम दूसरे मोहल्ले में आ गए गवा के और इन इस घर में हमें जाना है अभी। अंकल आप बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। आप बाहर आ जाइए। अंकल आप हमारी टीम को बता सकते हैं कि कोरोना में आपको क्या क्या समस्याएं आई? बहुत परेशानियां, खाने पीने की परेशानियां, काम धंधा कुछ नहीं हमारा। ये हमारी टीम ने आपके लिए राशन भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक अम्मा रहती हैं और वो पुजारिन है यहाँ पे, और 2 महीने से जब मंदिर बंद था तो उनको राशन की कोई व्यवस्था नहीं मिली थी और उन्होंने मुझे अपना नाम दिया और मैंने उनका नाम YEF टीम को फॉरवर्ड किया। तो अभी देखते हैं आप। दादी आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको राशन की जरूरत थी, आपने मुझे नाम दिया था और आपके लिए टीम ने हमारी राशन भिजवाया है। साइड में रखी है। और दादी आपको हमारी टीम के लिए कुछ बोलना है आप बोल सकती हैं। आपकी टीम के टाइम बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रवाद, आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। गाइज अब दूसरे घर में आए हैं, अभी यहाँ पे राशन देना है। आंटी आप आ जाइए। आंटी आपको लॉकडाउन में किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा आप हमारी टीम को बताएं। बहुत परेशानी सामना करना पड़ा। क्या क्या आप मतलब घर वर में कैसे काम वाम बंद हो गया आपका? काम बंद हो गया 4 महीना से, तबीयत खराब है ज्यादा। अच्छा जी, आपके लिए ये हमारी टीम ने राशन भिजवाया है, छोटी सी मदद करने की आपका कोशिश की है, इसको साइड में रखिए। और आपको टीम के लिए हमारे कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टीम, आपने हमारी सहायता की। अभी हम दूसरे घर में आए हैं और यहाँ पे अभी हम राशन देंगे। आंटी बाहर आ जाइए। आंटी आप हमें बता सकती हैं कि आपको क्या क्या परेशानी आई कोरोना के टाइम पे? हम परेशानी तो बेटा सर ये क्यों, हमारा तो देखो ना तो कोई बाल लड़का भी खत्म हो गया और आदमी भी खत्म है, किराए के मकान सबको कहते हैं बस्ते में घुस सको भी सब। आप कोई नहीं आंटी, आपके लिए ये YEF हमारी टीम ने आपके लिए ये
कुछ मदद करने की कोशिश की है और ये आपके लिए राशन दिया है। कुछ भी ना है हम तो आप यहाँ रख लीजिए, काम आते हैं दिन में मजदूरी करें। आपको टीम के लिए कुछ बोलना है, हमारी वायर टीम के लिए कुछ बोलना है? आपको धन्यवाद। So guys, to know more about our initiative, kindly visit our social media handles and also donate using the below link. Thank you.